नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं मनी नाइन छटपट। भारतीय ई कॉमर्स मार्केट की दिग्गज कंपनी फ्लिपकार्ट से बड़ी खबर आ रही है। चाइना की नामी टेक्नोलॉजी कंपनी टेंसेंट ने फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी खरीदी है। टेंसेंट ने यह हिस्सेदारी फ्लिपकार्ट के को फाउंडर बिन्नी बंसल से खरीदी है। यह सौदा करीब 2060 करोड़ रुपए में हुआ है। यह लेन देन अक्टूबर 2021 में पूरा हुआ और मौजूदा वित्त वर्ष की शुरुआत में इसकी जानकारी सरकार अधिकारियों को दी गई। टेंसेंट की यूरोपियन सब्सिडरी टेंसेंट क्लाउड यूरोप बीवी के जरिए यह सौदा हुआ है। सौदे के बाद टेंसेंट की सब्सिडरी की हिस्सेदारी फ्लिपकार्ट में 0.72% हो गई है, जिसकी वैल्यू करीब 26.4 करोड़ डॉलर है। वहीं फ्लिपकार्ट में बिन्नी बंसल की हिस्सेदारी करीब 1.84% की रह गई है। साल 2018 में अमेरिका की दिग्गज रिटेल कंपनी वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण किया था। फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर सिंगापुर में है और इसका ऑपरेशंस केवल भारत तक सीमित है। पिछले साल 3.6 अरब डॉलर यानी 26,805 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाने के बाद जुलाई 2021 में फ्लिपकार्ट की वैल्यू बढ़कर 37.6 अरब डॉलर हो गई थी। बिन्नी बंसल और टेंसेंट के बीच ये सौदा जुलाई में हुए फंडिंग राउंड के बाद परवान चढ़ा। यह सौदा सिंगापुर में हुआ और फ्लिपकार्ट का कहना है कि एक जिम्मेदार कंपनी होने के नाते उसने भारतीय अधिकारियों को इसकी जानकारी दी थी। कंपनी ने कहा है कि ये लेन देन प्रेस नोट 3 के दायरे में नहीं आता है, जिसके तहत भारत की सीमा से लगे देशों से किसी भारतीय कंपनी को मिलने वाले निवेश की स्क्रूटनी का प्रावधान है। भारत में ऐसी कई कंपनियां काम करती हैं जिनमें टेंसेंट का निवेश है, यानी टेंसेंट का पैसा लगा हुआ है। सरकार ने पिछले सालों में कई ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था, जिसमें टेंसेंट ग्रुप का पबजी भी शामिल है, जो कि बच्चों में काफ़ी मशहूर है। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों और भारतीय जवानों के बीच झड़प के बाद सरकार ने यह कदम उठाया था। भारत में ई कॉमर्स मार्केट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई स्वदेशी और विदेशी कंपनियां बाजार में अपना दबदबा बनाने के लिए जोर आजमाइश कर रही हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस फर्म स्टैटिस्टा के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में भारत में ई कॉमर्स बाजार का साइज 84 अरब डॉलर के आसपास था, जिसके 2025 में बढ़कर 188 अरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमान है। भारत के ई कॉमर्स बाजार में 4 कंपनियों के बीच कड़ी टक्कर है। इनमें फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, रिलायंस और टाटा शामिल हैं।